हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम बनाएंगे फ्रेंड्स जर्दा पुलाव, यानी कि जर्दा राइस, मीठे चावल जिसे बोलते हैं, तो इन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो जिसके लिए हमने चावल लिया है, ये सेल्हा चावल है जो कि आधा किलो है। हमने 25 मिनट तक भिगो कर रखा था पानी में, और उसके बाद में हमने पानी को निकाल दिया है और इसे हमने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। और ये जो ड्राई फ्रूट्स हमने डालना है जर्दा पुलाव में, इन्हें हमने देसी घी में भून लिया है, और आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। और उसके बाद में ये दही है, और केवड़ा वाटर है यानी केवड़ा जल है, और ये जो हमने खोया बनाया है, ये आधा किलो दूध से हमने खोया बनाया है, और ये चीनी है जो कि 300 ग्राम है, हम जर्दा पुलाव में डालेंगे। तो ये सारी सामग्री है, और एक में हमने 1 लीटर के करीब पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। पानी में अच्छी सी उबाल आ रही है, यानी पानी खौल रहा है खूब अच्छे से। तो खौलते हुए पानी में 5-6 इलायची हम डाल देंगे, छोटी इलायची जो होती हैं। तो उसके बाद में हम थोड़ा सा फ्रूट कलर ऐड कर रहे हैं, जो ऑरेंज कलर होता है। आप अगर फ्रूट कलर आप अपनी पसंद का ले सकते हैं, कुछ लोग 2-3 कलर डालकर बनाते हैं। तो हमने यहाँ पर अब हम डाल रहे हैं केवड़ा वाटर यानी कि केवड़ा जल, जिससे जो हमारा जर्दा पुलाव बनेगा वो बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होगा। तो इसे ज़रूर आप ऐड करिएगा, केवड़ा जल इसे बहुत अच्छी स्मेल आती है। और फिर उसके बाद में हम इसमें 2 से 3 चम्मच के करीब देसी घी डाल देंगे, क्योंकि हम देसी घी इसलिए डाल रहे हैं जिससे चावल जो चिपके भी नहीं, और चावल बहुत ही सॉफ्ट होगा यानी मुलायम होगा। अगर आप देसी घी की जगह पे रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे तो उससे चावल जो है थोड़ा सा हार्ड भी हो सकता है। उसके बाद में ये जो भीगा हुआ चावल है, इसे हम डाल देंगे भगोने में इस तरीके से, और इसे बॉईल कर लेंगे चलाते हुए। और इसे आप देख पा रहे हैं गाइस, ये बहुत अच्छे से पक चुका है, यानी कि हमने इसमें हमने इसे 100% पकाया है, चावल को पूरी तरीके से पका लिया है। अब इसे हम जो छन्नी होती है छेद वाली, उसमें हम छान लेंगे, सारा पानी निकल जाने देंगे। तो सारा पानी निकल गया है गाइस चावल से, और हमने एक बाउल में रख लिया है चावल को। अब जो ये हमने नॉनस्टिक भगोना लिया है, मोटी तली का ही लीजिएगा गाइस, और अगर आपको भगोना भगोने में बना रहे हैं तो उसे मोटी तली में ही बनाना है। 2 चम्मच हमने देसी घी डाल दिया है, और 5-6 चम्मच इलायची पाउडर कूट कर डाल दिया है इसमें हमने भगोने में। गैस को हम ऑफ कर देंगे, और इस घी को अच्छे से इस तरीके से भगोने में इस तरीके से घुमाते हुए लगा देना है। आप कुकर में भी बना सकते हैं फ्रेंड्स, पर जिस पात्र में आप बनाएं वो थोड़ा तली का मोटा होना चाहिए, जिससे जब हम जर्दा बनाएंगे तो वो तली में लगे नहीं और अच्छे से पककर तैयार हो जाएगा। अब हमने इसमें सबसे नीचे डाल दिया है चीनी, चम्मच के करीब देसी घी ऊपर से डाल दिया है। अब उसके बाद में इसमें हम ढक्कन लगा देंगे, नॉनस्टिक भगोने में अगर आप बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा जर्दा पुलाव बनकर तैयार होगा। और उसके बाद में हम इसमें ढक्कन लगा देंगे, और स्लो फ्लेम करके 25 मिनट तक पकाना है।